तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसमें कहते हैं कि एयर रेजिस्टेंस, अगर एयर रेजिस्टेंस जो है एक अलग से एक्सलेशन में कंसीडर करता हूँ, एयर का ए ठीक है, और ग्रेविटी भी है, दोनों है। एयर रेजिस्टेंस जो रिटार्डेशन है प्रोजेक्टाइल में, वो कितना करता है? 1/10 ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी थी। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम पीरियड इन कितने परसेंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? देखो, पहली बात, जब एयर रेजिस्टेंस काउंट होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर एक बॉल यहाँ से फेंक दी गई, मान लो इनिशियल वेलोसिटी यू से फेंकी गई और हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पर फेंकी गई है, तो हॉरिजेंटल वाली जो कॉम्पोनेंट है वो यू कॉस थीटा है और वर्टिकल वाली जो कॉम्पोनेंट है वो यू साइन थीटा है, ठीक है ना। अब अगर यहाँ से तुम देखोगे, जब कभी भी एयर रेजिस्टेंस काउंट करोगे तो ये इस तरह के पाथ पे जाएगा बॉल। एयर रेजिस्टेंस काउंट करो, हमेशा याद रखना कि टाइम पीरियड जो है वो टी डैश हो गया, तो पहले से कम आएगा भाई। जो मैक्सिमम हाइट, ये वाली जो हाइट है बच्चों, वो एच डैश है। एयर रेजिस्टेंस काउंट करो तो एच डैश जो पहले वाला था वैक्यूम वाला, उससे कम ही आएगा। और ये आर बॉल पहले ही गिर जाएगा यार, तो आर डैश की जो वैल्यू है वो भी पहले से कम ही आएगी, ठीक है। तो ये बात हमें सोचना चाहिए, और आई होप कि आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा। तो इंक्रीज तो कभी नहीं होगा, तो ये वाली इस लॉजिक से मतलब ये दोनों ऑप्शन सही है। अब एक्चुअल में कितना परसेंट है वो हमें निकालना है, तो मैं सिर्फ एंड सिर्फ ये सोचता हूँ कि एक बॉल वर्टिकली अपवार्ड जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप देखो, पैराबोलिक पाथ पे सोचोगे, इस पैराबोलिक पाथ पे सोचोगे तो वेलोसिटी तो इधर है, तो एयर रेजिस्टेंस पीछे लगेगा। अगर वर्टिकली अपवार्ड सोचोगे तो नीचे लगेगा एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी भी लगेगी। हॉरिजेंटल सोचोगे तो वेलोसिटी इधर है, एयर रेजिस्टेंस इधर लगेगा, ग्रेविटी नीचे लगेगी। तो इस टाइप से अब मैं सिर्फ एक बॉल सोचता हूँ जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हाईएस्ट पॉइंट पे गया है, तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था वैक्यूम में? उसका टाइम ऑफ फ्लाइट था टू। उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था जब जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता था? तो जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होता तो यू साइन थीटा ओवर जी हुआ करता था। और ये टाइम पीरियड मैं एक ऐसे बॉल इमेजिंग कर रहा हूँ, समझना, एक बॉल इमेजिंग कर रहा हूँ जो हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, तो उस पॉइंट उस पे वर्टिकली डाउनवर्ड एयर का फोर्स लगेगा, ग्रेविटी लगेगी, फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाएगी और इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा था, तो मैं वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दिया हूँ, ठीक है ना। तो ये वी इज इक्वल टू, इससे टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, टू यू साइन थीटा तो पूरा था यार। तो ये रही पहली स्टोरी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉल ऊपर जा रहा, सिर्फ ऊपर सोच रहा हूँ, ध्यान देना, तो नेट एक्सलेशन जो है, नेट एक्सलेशन जो जी अब चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा एयर रेजिस्टेंस, एयर की एयर रेजिस्टेंस का एक्सलेशन, ठीक है, और प्लस जी, ठीक है ना। दोनों वर्टिकली इसको नीचे खींचेंगे तो एयर रेजिस्टेंस जी का 1/10 है प्लस जी, मतलब नया एक्सलेशन जो जनरेट होगा 11g/10 आ जाएगा। तो नया जो टाइम पीरियड आ जाएगा, नया जो टाइम पीरियड ये जो आ जाएगा वो मान लेता हूँ मैं टी डैश, ठीक है। तो नया जो टाइम पीरियड आता है, चलो मान लेता हूँ उसको टी डैश। टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी यार? यू साइन थीटा, वेलोसिटी तो वही है यू साइन थीटा, और एक्सलेशन बदल गया, जैसे जी डैश। जी डैश क्या है? न्यू एक्सलेशन, ये वाली एक्सलेशन, दैट इज जी डैश। तो यहाँ से यू साइन थीटा, जी डैश मतलब नेट एक्सलेशन, नेट एक्सलेशन कितना हो गया? 11g/10। तो इसको टी के टर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा 10t/11, दिस इज द न्यू टाइम पीरियड। अब आपको परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज निकालने के लिए क्या करोगे भाई? फाइनल में से इनिशियल घटा दोगे और इनिशियल से डिवाइड कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो टी डैश 10t/11 माइनस एक्चुअल टी डिवाइडेड बाई ओरिजिनल टी, और 100 से मल्टीप्लाई कौन करेगा भाई? तो यहाँ से तुम देखोगे तो यह आ जाएगा -1/11 और ये 100, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली -9% आ जाएगा। तो माइनस का मतलब है कि टी डैश कम होगा, डिक्रीज हो जाएगा टाइम पीरियड, दैट इज, अगर प्रॉपर तरीके से देखोगे तो अपना बी ऑप्शन इसमें सही बन जाता है, ये गलत है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।